फ्रेंड्स, कि आपको प्रॉब्लम आ रही है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के किट सेटिंग में, तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो थ्रू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में पोटेशियम किट कैसे सेट करना है सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पर, आज हमने लिया है परफेक्शन का किट। उससे पहले हम देखेंगे कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। पोटेशियम हमारे ब्लड की पोटेशियम लेवल मेजर करने के लिए की जाती है। पोटेशियम इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पोटेशियम ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल है हमारे बॉडी का, जो कंट्रोल करता है मसल्स एंड नर्व एक्टिविटी, मेंटेन फ्लूइड लेवल्स एंड परफॉर्म द अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। हमारे बॉडी को पोटेशियम की जरूरत होती है हार्ट और मसल को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं पोटेशियम के, मसल ट्विचेस, मसल क्रैम्प, सीवियर मसल वीकनेस लीडिंग टू पैरालिसिस, लो ब्लड प्रेशर, लाइट हेडनेस और फेंटनेस, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट एक्सेट्रा। इसकी नॉर्मल रेंज है सीरम की 3.60 टू 5.50 मिलीमोल पर लीटर की। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि किट सेटिंग कैसे करना है परफेक्शन द्वारा बनाए गए सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पर। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे सेट करना है मशीन पर। आज हमने लिए परफेक्शन किट, आप देख सकते हैं। मैंने लिए पोटेशियम मोनो किट और इसकी मेथड है टीपीबी मेथड। टीपीबी का मतलब है टेट्राफिनिल बोरॉन। ये है इसके जनरल पैरामीटर्स। तो हम इसे फीड करने वाले हैं मशीन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है एंटर टेस्ट के लिए। उसके बाद आता है ओपन चैनल। एडिट नेम हमें करना है एडिट। उसके बाद आता है पैरामीटर्स, देन बेसिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एडिट नेम। हमें यहाँ पर बैक स्पेस करके इसमें नेम ऐड करना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाली हूँ पीओटी। यहाँ पर एंड पॉइंट मेथड है तो रिएजन ब्लैंक रहेगा, तो हम यहाँ पे रिएजन ब्लैंक करेंगे। इसका यूनिट से मिलीमोल पर लीटर का। रिएजन वॉल्यूम है 1 ml। सैंपल वॉल्यूम है 20 μl। एस्पिरेशन 450 का रहने दीजिए। टेस्ट मोड है एंड पॉइंट। प्राइमरी फिल्टर है वेवलेंथ फिल्टर है यहाँ पर 630 nm। टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर। डिले टाइम है 5 सेकंड का। फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से सेट है। यहाँ पर इसे हम सेव करेंगे। उसके बाद करना है रिटर्न। रिटर्न जाके हमें करना है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में जाके हमें करना है कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है 5 mmol पर लीटर का। इसे करेंगे सेव और डायरेक्ट टेस्ट रन करेंगे। टेस्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए वेरिएबल पिपेट्स 100 टू 1000 माइक्रोलीटर, 5 टू 50 माइक्रोलीटर वेरिएबल पिपेट्स, क्लीन एंड राइट टिप्स, क्लीन एंड राइट टेस्ट ट्यूब, टिश्यू पेपर, डिस्टिल वाटर एंड पोटेशियम रिएजेंट। चलिए देखते हैं कि टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। फ्रेंड्स, मैंने लिया था मोनो वायल किट, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है वायल्स। इसमें 1 ml रिएजेंट ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मोनो वायल लेके मैं टेस्ट करने वाली हूँ। ये मैंने लिए 3 टेस्ट के लिए। इसे मैं लेबल करूंगी ब्लैंक स्टैंडर्ड और टेस्ट के लिए। और सैंपल मुझे ऐड करना है यहाँ पर 20 μl। ये पोटेशियम स्टैंडर्ड 5 mmol पर लीटर का, इसे ऐड करना है 20 μl।
बाहर से वाइप आउट करना है। मिक्स करके 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देना है। फ्रेंड्स मैं ले आई बायर एड कंट्रोल लेवल 1, आप देख सकते हैं ये मैं एज इट इज यूज करने वाली हूँ। तो इसे भी लेना है 20 माइक्रोलीटर। बाहर से एक्सेस वाइप आउट करना है। मिक्स करके 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर के लिए रख देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी लिनियरिटी है 7 मिलीमोल पर लीटर की। फ्रेंड्स हमारे 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं रूम टेम्परेचर के। हम टेस्ट करके देखेंगे एस्पिरेट डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें देना है रिएजेंट ब्लैंक। एब्जॉर्बेंस है ब्लैंक का 0.019। हमें करना है कैलिब्रेशन। एब्जॉर्बेंस है 0.401 और फैक्टर है 12.46। तो हम इसे ओके करेंगे। अब हमें टेस्ट रीडिंग लेना है। फ्रेंड्स मेरा रिजल्ट आया है 4.04 मिलीपोर पर लीटर और एब्जॉर्बेंस है 0.324। मैंने लिया था बायर लेवल कंट्रोल लेवल 1। तो मेरे पास ये कंट्रोल शीट था, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कंट्रोल शीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम और इसकी टारगेट रेंज है, टारगेट है इसका 4.14 और टारगेट रेंज है 3.52 to 4.76 और हम मेरा रिजल्ट आया है यहाँ पर 4.04। तो मैं टारगेट रेंज पर मैच हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।